दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से मैं एक नए टॉपिक पर आपके साथ बात करूंगा और इसके बारे में कुछ प्रोस कॉन्स आगे पीछे जो भी हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। आज हमारा सबसे जो डिमांडिंग टॉपिक है समाज में, नॉलेज वर्सेस डोगमा। लोग डोगमे में जीवन जीते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि हमारे पास नॉलेज है या नहीं है, या नॉलेज और डोगमा में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो आइए आज इस अंतर को हम लोग समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉलेज आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और डोगमा एक फिक्स्ड सेट ऑफ माइंड होता है, जो एक बार कहीं देख लिए, एक बार कहीं सुन लिए और उसमें ही हम उलझे हुए हैं। हमारा माइंड चेंज को स्वीकार नहीं करता है, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, जबकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज दुनिया में पुरानी संस्कृति को कुछ लोग ढो रहे हैं, तो नए संस्कृति और नए कल्चर को लेकर के कुछ परेशान हैं, तो कोई स्वागत कर रहा है उसको। बहुत सारे नेशन में सिर्फ इसका ही अंतर है कि वो किसी फिक्स्ड माइंड सेट में जीवन जी रहे हैं। बस किसी ने बता दिया कि हाँ, हमें काले कपड़े पहनने हैं तो पहनने हैं, हम उसके ऊपर अपना दिमाग लगाते ही नहीं है। दैट इज द फिक्स्ड सेट ऑफ माइंड। नॉलेज इज ऑल अबाउट द चेंज। समय के साथ चेंज होने के लिए, डिस्कशन के लिए वह तैयार होता है। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक प्रेम होता है, हेल्प एंड सपोर्ट होगा आपके पास, कुछ नई चीजें सीखने के लिए होगा और नॉलेज इम्पावर्स योर कैलिबर। इसलिए समय के साथ जो चीजों को समझ ले, किसी खास चीज को किसी को कन्विंस कर दे या खुद कन्विंस हो जाए, दैट इज द पार्ट ऑफ नॉलेज। व्हाइल इन केस ऑफ डोगमा, यू माइट बी रॉन्ग बट यू विल नॉट फील, यू विल नॉट एक्सेप्ट। वहां हर जगह रिजिडनेस आ जाती है। इसीलिए तो कबीरदास ने कहा कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। तो जीवन में कुछ सीखने की प्रवृत्ति जब खत्म हो जाती है, उसी को डोगमा बोलते हैं, फिक्स्ड सेट ऑफ माइंड। और जब खत्म हो जाती है सीखने की अपॉर्चुनिटी, तब अफसोस आता है कि जब मैं सीख सकता था तब मैं नहीं सीखा, और जब मैं सीखने के लिए योग्य बना हूं तब कोई सिखाने वाला नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका अर्थ मैं इसके रेस्पेक्ट में दे रहा हूं। नॉलेज जब होगा तो आपके जीवन में प्रेम होगा, एक सद्व्यवहार होगा। प्रेम और घृणा दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसीलिए नॉलेज और डोगमा दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो जीवन में हमेशा नॉलेज को एक्सेप्ट कीजिए, अपने सारे दरवाजे बंद मत कर दीजिए सीखने के लिए। जिसने बंद कर दिया वो डोगमा में जीवन जी रहा है, अर्थात कुएं का वह मेढक बन करके रह गया है। यूं ही चक्कर काटते रहेगा, जीवन में कुछ नहीं सीख पाएगा। और जीवन ज्ञान से ही आगे बढ़ता है, विद्या ददाति विनयम्। ये भी हम और डोगमा में सबसे बड़ा अंतर होता है संवाद और विवाद के लिए। विवाद डिबेट तब हम करते हैं जब हमारा कोई फिक्स्ड सेट ऑफ माइंड हो और सामने वाले का भी फिक्स्ड सेट ऑफ माइंड हो, तब हमारे पास डिबेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जबकि डिस्कशन में संवाद होता है, बैठ करके हम एक दूसरे के नॉलेज को शेयर करते हैं और फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनर और बहुत सारी कंपनीज आपको ग्रुप डिस्कशन की बात करती हैं, न कि ग्रुप डिबेट की। डिबेट में कहीं कोई जिंदगी की, कहीं कुछ अच्छे चीजों की शुरुआत नहीं होती है, बल्कि डिस्कशन में शुरुआत होता है। हम दोनों एक दूसरे से सोच समझ करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑलवेज एक अच्छी चीजों को आप अट्रैक्ट करते हैं, आप पॉजिटिव माइंड से डिस्कशन करते हैं, आप एक दूसरे को कन्विंस्ड करते हैं या खुद कन्विंस्ड होते हैं। डोगमा में चूंकि फिक्स्ड सेट ऑफ माइंड है, कोई ना किसी का सुनता है अन्ना चेंज के लिए अपने आप को तैयार करता है। कॉमन सेंस तो दोनों में होता है दोस्त, नॉलेज में भी और डिबेट में ही, लेकिन ये पॉजिटिव कॉमन सेंस फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। और यहाँ पे डिबेट में, डोगमा में, यह कॉमन सेंस बड़ा खतरनाक होता है। हमेशा आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े की ही बात करेगा डिबेट में,
झगड़ बैठते हैं। इसीलिए कंपनीज वाले देखते हैं कि कैंडिडेट के अंदर डिस्कशन की क्षमता है या सिर्फ उसको काउंटर अटैक ही करने आता है, एक दूसरे से आर्गुमेंट ही करने आता है। डिबेट लीड्स टू आर्गुमेंट, नॉलेज लीड्स टू डिस्कशन, नॉलेज रीच टू ए पॉइंट, डोगमा और डिबेट नेवर रीच टू ए पॉइंट, इट इज द ऑन गोइंग प्रोसेस, वी नेवर रीच टू ए फिक्स्ड पॉइंट, नॉलेज इज द पावर, डोगमा इज द डेथ। ध्यान रखिएगा दोस्त, डोगमा में जीवन मत गुजारिएगा। यदि कोई कुछ बोलता है तो उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता रखिएगा, उससे डिस्कशन कीजिएगा यदि समझ में नहीं आता है तो, उससे डोगमा में लड़ मत बैठिएगा। हो सकता है वो सही बोल रहा हो, हमारे पास नॉलेज कम हो, क्योंकि कुछ चीजें हमें दिखती नहीं है लेकिन होती है। जैसे किसी आप सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग को आप देखते हैं तो आपको बिल्डिंग दिखती है, लेकिन बिल्डिंग की जितनी मजबूती ऊपर आपको दिखती है ठीक उतनी ही मजबूती आपको उस जमीन के अंदर भी दिखना चाहिए जब फाउंडेशन बना था, लेकिन वो फाउंडेशन सबको नहीं दिखता है, पढ़े लिखे अच्छे इंजीनियर्स को ही दिख सकता है। लोग तो बोलेंगे अरे फाउंडेशन क्या होता है, उस अंदर में जमीन के अंदर थोड़ी कुछ होगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो समझ सकता है कि हाँ जितनी मजबूत फाउंडेशन है उतना ही ऊपर बिल्डिंग भी है, इसलिए वो फाउंडेशन दिखता नहीं है लेकिन होता है। इसलिए चीजों को एक्सेप्ट करने की हमेशा कोशिश कीजिएगा, और जब एक्सेप्ट कीजिएगा जीवन में तो आपको एक अंदर से नॉलेज, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, जीवन में जब आप पोलाइट होते हैं झुकते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, सीढ़ी चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, अकड़ वाले तो हर जगह इंसान आपको मिल जाएंगे। कहीं गलती हो जाए तो पहले खुद से माफी मांग लेना, उसके बाद समाज से भी माफी मांग लेना। माफी मांगने वाला बहुत साहसी होता है, बहुत समझदार होता है। परिवर्तन ही जीवन है, समय के साथ परिवर्तन अवश्यंभावी है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है, और संसार के सारे नियम परिवर्तनीय हैं सिवाय परिवर्तन के नियम के। इसलिए दोस्तों परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहिए। अवसर को पहचानिए, जब आपके अंदर नॉलेज होगा, जब आप चीजों को समझ पाएंगे तो आप चीजों को एनालाइज कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू नो हाउ व्हाई हु व्हाट वेयर व्हेन, ये सारी चीजों को आप समझ पाएंगे, जबकि डोगमा में आप एक कुएं का मेढक बन करके रह जाएंगे। अपने को सीमाओं में आप बांध लेते हैं, चीजों को आप सीख नहीं पाते हैं। यू डोंट नो द प्रोस एंड कॉन्स, यू रिमेन एज इट इज। बहुत लोग ऐसे हैं, आज समाज में सिर्फ दिक्कत यही है कि लोगों के पास नॉलेज कम डोगमा बहुत ज्यादा है। शायद ये धर्मांधता या अंधविश्वास के चलते ही क्यों ना हो, दूसरे की बात सुननी ही नहीं है, वो अपना एक फिक्स्ड सेट ऑफ माइंड बना लिए हैं। धर्मशास्त्र में भी अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर हो जाते हैं कि दूसरे की धर्म की अच्छी चीजें नहीं सीख पाते हैं, और तब बोलते हैं कि हम असहिष्णु हैं या सहिष्णु हैं। तो ये गलत बातें हैं, आप दूसरे के धर्म को भी, दूसरे के स्वभाव के भी, दूसरे के कल्चर को भी आप पढ़िए समझिए, देन ओनली यू विल लीड विद द नॉलेज। डोंट मेक ऑलवेज काउंटर आर्गुमेंट्स, अहंकार में जी। नॉलेज का एक खास बात मैं आपको बताऊं कि नॉलेज हमेशा आपको कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए प्रेरित करता है, जबकि डोगमा आपको जो सीखने की प्रवृत्ति है उसको खत्म कर देता है। नॉलेज आप हर जगह, हर सभ्यता, हर संस्कृति, हर कल्चर में आप कुछ सीख सकते हैं, और आप जीवन में निडर रह सकते हैं क्योंकि आपके अंदर सीखने की क्षमता है, दूरदृष्टि है आपके अंदर। जबकि डोगमा हर जगह आपको टेंशन देगा क्योंकि आपका फिक्स्ड माइंड सेट है, और दूसरे जगह वो फ्लेक्सिबल है, वो कुछ बातें करेगा और आप चिढ़ जाएंगे, आपको गुस्सा आएगी। नॉलेज आपको हर जगह इंस्पायर करेगा, जबकि डोगमा आपको हर जगह फ्रस्ट्रेट और डिकम्पोज करेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, ये डोगमा जो फिक्स स्टेट ऑफ माइंड है, जो अड़ियलपन है, जिसको कट्टरता भी आप बोल सकते हैं, जो
मूर्खता और अज्ञानता भी बोल सकते हैं, लेकिन अज्ञानता हम नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। अज्ञान का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है वो आगे चल करके कुछ सीख सकता है, और डोगमा मतलब वो सीख ही नहीं सकता है, मूर्ख कुछ सीखता ही नहीं है। इसलिए तो हमारे गांव में कहा जाता है कि मूर्ख को 10 रुपया दे दो लेकिन 2 रुपये का ज्ञान मत दो, क्योंकि तो मूर्ख समझने के काबिल नहीं होता है, लेकिन अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है, मूर्ख कभी समझदार नहीं बन सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपने आप को सीमाओं में मत बांधो। जिस तोते को सोने का पिंजरा भा गया उसके लिए आकाश नहीं होता है, होता तो बहुत कुछ अंदर है पर खुद में विश्वास नहीं होता है। कर ले जिंदगी में कितना भी मेहनत, उसका कोई इतिहास नहीं होता है। इसलिए ट्राई टू नो द न्यू थिंग्स, ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, दैट विल लीड ए गुड एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑलवेज इम्पावर्स यू। यू मेक योर माइंड कंट्रोल, यू रेस्पेक्ट एवरीवेयर टू एवरी वन, एंड दोज हु गिव रेस्पेक्ट विल गेट रेस्पेक्ट। जो दूसरे को आदर देगा उसको भी आदर मिलेगा। अपने अंदर अकेलापन की आदत मत डालिए, एकांतवास की आदत भले डालिए। आपके जीवन में सारे दुख का कारण आपका ये डोगमा है। आप खुद एनालाइज कीजिए कि आप डोगमा में जीवन जीते हैं या नॉलेज के साथ। डोगमा में जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में दुख आएगा और परिस्थिति कुछ इस तरह से बन जाती है। नॉलेज आप रोज कुछ सीखिए, एक पेड़ के तरह पीपल का पेड़ बनिए जिससे सबको छाया मिले। धैर्य रखते हुए जीवन में आगे बढ़िए, ईश्वर पे विश्वास रखिए। विश्वास तो दोनों के अंदर होता है, डोगमा में भी और नॉलेज में भी, लेकिन नॉलेज का विश्वास वो विश्वास होता है, और डोगमा के थ्रू जो विश्वास होता है वो अंधविश्वास होता है। इसलिए जीवन में नॉलेज के साथ आगे बढ़िए, दैट विल इम्प अंत में आगे बढ़े। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो ट्रूथ है वह नॉलेज पे आधारित होता है, जबकि बिलीफ अंधविश्वास डोगमा होता है। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि एक ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है, एक बिलीफ है, एक प्रैक्टिस है, जिसका कोई फैक्ट नहीं है, कोई आधार नहीं है, दैट इज द माइथ, दैट इज द मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस टेकन अप्रोच और इनकम्प्लीट नॉलेज, दैट कैन ओनली बी रिजॉल्व विथ बेटर एविडेंस। एविडेंस नहीं होता है डोगमा के पास। काली टोपी पहनना है, क्यों पहनना है, काले कपड़े पहनना है क्यों, हमको जो है पश्चिम में पूजा करना है क्यों करना है भाई, हमें ये काम करना है क्यों करना है भाई। हर जगह की कल्चर है, जो चीज इंडिया के लिए सूट कर रहा है वह चीज हो सकता है कि अमेरिका के लिए सूट नहीं करे। इसलिए आप अपनी थिंकिंग लेवल समय के साथ, स्थिति परिस्थिति काल देश कल्चर सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। लोगों के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। आपकी अपनी गोल्स है, अपनी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके साथ कुछ सीखिए, रोज कुछ सीखिए और जीवन में ये रोशनी जलाइए। संसार में कभी खुद के अंदर झांक करके देखिए, क्योंकि नॉलेज आपको रूट काउज ऑफ एवरीथिंग बताता है। एलिमिनेशन ऑफ योर वीकनेस दैट लीड्स बाय ओनली नॉलेज। आप अच्छे चीजों को स्वीकार करते हैं, जीवन में प्रगति और सफलता को आप स्वीकार करते हैं। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए कुछ नई चीज की खोज, कहीं जर्नी करना, क्योंकि मूर्ख लोग जर्नी भी पसंद नहीं करते हैं। अपने अंदर पोलाइटनेस, हर चीज का इंफॉर्मेशन फैक्ट्स आपके पास होनी चाहिए, लेकिन चीजों के ऊपर समझदारी होना एक अलग चीज है, नॉलेज होना अलग चीज है। नॉलेज के साथ समझदारी होना और व्यवहारिक जीवन में उस नॉलेज का उपयोग होना बहुत जरूरी है, अन्यथा वह भी डोगमा में ही कन्वर्ट हो जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड दैट कम्स। आज हमने नॉलेज वर्सेस डोगमा पे बात किया। नॉलेज इज द सेक्रेट ऑफ सक्सेस एंड योर लाइफ योर सक्सेस, आपका जीवन है, आपकी सफलती है, सफलता है। आपको चीजों को स्वीकार करना है, सीखना है और जीवन में आगे बढ़ना है। मेरा सहयोग साथ हमेशा आपको मिलते रहेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको,
और ये वीडियो यदि पसंद आया है तो इनको जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्त। और नए वीडियो के साथ मैं फिर आपके लिए कुछ लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।